आप बिल्कुल पढ़ी लिखी लग रही है कपड़ों से। थैंक यू। हाँ, ये ऐसे ही पता चलता है। देखिए मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, और अगर बुरा मानिएगा तो राखी सावंत सपने में आएगी, पूरा रात टेंशन में गुजरेगा। इसलिए मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं कॉमेडियन हूँ। और आप हाँ खींचो, कलर खींचोगे ब्लैक एंड व्हाइट आएगी, मेरी शक्ल तुझे पता है, बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। मैं हर लड़की से यही बोलता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरी आंख बड़ा कमजोर है, कम दिखता है, कमजोर आंख है। मैं पढ़ी लिखी लग रही, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अभी कॉमेडी शुरू नहीं की, मैं सोचता हूँ आपसे मुलाकात कर लूँ, बात कर लूँ। पढ़ी लिखी लग रही है, मेरे एक सवाल का जवाब दे पाइएगा? बिल्कुल। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप जवाब दे सकती हैं। अगर आंसर पता हो तो बताइएगा, और नहीं मालूम होगा तो आराम से चले जाइएगा, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। ये बताइए आपके कितने बाप हैं? ये कितना गंदा क्वेश्चन है, ये तो बदतमीजी पे उतर आए हैं। एक मिनट, मतलब पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे? एक मिनट, आंसर नहीं मालूम तब जा सकती है, और अगर मालूम है तो बता दीजिए। सबके एक ही बाप होते हैं भाई, मेरा भी एक ही बाप है। एक ही बाप है, गरीब लड़की, एक बाप है, मेरे चार बाप है। और मैं इतने लोगों के सामने बोल रहा हूँ चार बाप है, ये मैं साबित भी कर सकता हूँ, मेरे चार बाप है, और हर बाप पे ताली भी बजेगा। करके दिखाइए। जोड़िए, मेरे पहले बाप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। जब राष्ट्र के पिता तो अपने पिता, एक बाप कंप्लीट। दूसरा बाप, कभी आप चर्च गई है वहां फादर हो जाकर अंकल ही बोलते, फादर ही बोलते, फादर का मतलब बाप। दो बाप कंप्लीट। तीसरा बाप सबसे इंपॉर्टेंट बाप है, जो सबकी जिंदगी में आता है। कभी कभी आदमी जान बुझ कर जाने में, मजबूरी में, लाचारी में, गधे को भी अपना बाप बनाता है। तीन बाप हो गए, और एक मेरा भी तो है, उसको मैं छोड़ दूं। अच्छा ये बताइए, मेरे वाले सिस्टम से अब आपके कितने बाप हैं? मेरे वाले सिस्टम से। अच्छा एक काम करते हो, मैं ना ऐसे रास्ता नापती हूं ना, मेरे वाले सिस्टम से कितने बाप हुए ये बता। आपके वाले सिस्टम से भी चार। हाँ ये बात मुझे बता दिया, कोई बात नहीं, घर में जाके अपने बाप को मत बताना, वरना पंगे शुरू हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा ताली बजाने के लिए, मैं ये धमकी दे रहा हूँ। ऊपर वाले ने मुझे जैसे कॉमेडियन पे आशीर्वाद दिया है।